हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारा इंटरसेप्टर 650 और इसका सलफ काम नहीं कर रहा है। मैं इसकी बैटरी चेंज करा ली है बंदे ने जिसकी है ये। तो इसका मैं सलफ खोलने जा रहा हूँ और सलफ खोल के देखेंगे तो इसके अंदर सलफ में फॉल्ट आया या कोई वायरिंग चूहों ने काट रखी है। तो फिलहाल मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ और उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। भाई लोग, ये हमारा ना सलफ का मोटर हमने इसमें से निकाल लिया है बहुत शिद्दतों के बाद में। तो इसका एक नट जाम हो रहा था उस पर, बस खुल गया कैसे ना कैसे, तो नट चेंज कर देंगे। फिलहाल मोटर मैंने निकाल ली है इसकी और इसके अंदर ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी मिक्स होया पड़ा हो ऑयल के अंदर। तो फिलहाल मैं एक बार इसको साफ़ कर लेता हूँ और ये ऑयल ही है लेकिन मॉइस्चर आया हुआ इसमें। तो इसको मैं सलफ को खोल लेता हूँ जल्दी जल्दी। अरे उस दिन पैनल आया था वो दे दे यार, ये नहीं लगेगा भाई, आठ की गोटी दे दे, आठ की गोटी दे, आठ की गोटी दे दे जल्दी। और इसमें ये दो आठ नंबर के नट हैं तो इसको कोशिश करके ध्यान रखना। आपको इसका जो मैग्नेट का निशान दे रखा है, ये नट दिख रहा होगा आपको, तो ये कट है जो ये मैग्नेट के पास ही रहेगा बिल्कुल। अगर जो आपने इसको इधर उधर कर दिया तो ये सलफ उल्टा चलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही आसान है, देख सकते हैं आप। दो नट खोल गए, सारा सलफ अलग हो जाएगा और ये हमारे नट निकल गए इसके दोनों। तो फिलहाल मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से अलग कर लेता हूँ पहले, उसके बाद नीचे से अलग करता हूँ इसको। ये हमारा ऊपर की बॉडी निकल गई है और ये हमारा मैग्नेट। ओह माय गॉड, ये मैग्नेट और ये इसके स्प्रिंग टूटे पड़े हैं, देख सकते हैं आप लोग। और कार्बन की तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं इसकी, देखिए आपके सामने। तो पता नहीं यार कैसे हो गया ये सब। तो बनाते हैं इसको, बाहर निकालते हैं एक बार। ये देखिए इसके सारे स्प्रिंग टूटे हुए हैं जैसे कि खड़ी खड़ी जाम होने के कारण। और इसके कार्बन अपने आप बाहर आ रहे हैं तो मैं पहले यहां से निकाल लेता हूँ इसको, बहुत दूर जाके गिरा है चलो। और कार्बन इसके थोड़े थोड़े से जाम हो रहे हैं, जो स्प्रिंग टूटे पड़े हैं उस वजह से इसके कार्बन जाम हो गए हैं। तो इसके कार्बन भी सफाई करके लगाने पड़ेंगे। तो भाई सीन ये था इसका कि इसके स्प्रिंग टूटे पड़े हैं, इसी चक्कर में इस गाड़ी का सलफ नहीं चल रहा था। होना नहीं चाहिए यार, 3500 किलोमीटर गाड़ी चली है और ये हाल हो गया है। लगभग 2 साल हो गए हैं बाइक को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 तो हमारे इसके 2 स्प्रिंग ठीक हैं, 2 खराब हैं। तो मैं इसके कार्बन लेके आया था तो उसमें देखता हूँ स्प्रिंग है या नहीं। इसमें स्प्रिंग तो नहीं है, स्प्रिंग लाने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, इसको सामान को सबको निकाल के साइड में करता हूँ और इसके कार्बन ला के जो स्प्रिंग टूटे हुए हैं वो लेके आता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। तो भाई लोग, इसके स्प्रिंग मैंने मंगा लिए हैं, 2 कार्बन के सेट लेने पड़े हमको क्योंकि 1 में 2 ही आते हैं, तो हमने 2 मंगा लिए हैं। और इसके स्प्रिंग 2 टूटे हुए हैं और 1 काफ़ी ज़्यादा नरम हुआ पड़ा है जैसे कि कार्बन लगने के कारण उसमें शॉर्टिंग हुई हो थोड़ी सी। तो हम इसके 4 पीस चेंज कर देंगे। और हमारे कार्बन हल्के हल्के से जाम हो रहे थे तो हमने कार्बन भी निकाल के साइड कर दिए, दूसरे कार्बन डाल दिए इसमें। तो फिलहाल मैं इसको जा रहा हूँ इसके अंदर फिट करने। तो
और यार बड़ा अजीब गरीब सिस्टम दे रखा है इन लोगों ने, इसके अंदर जगह नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कम जगह में ज़्यादा सामान फंसा रखा है इसके अंदर। और तो इसके ये दो पेच हैं, ये लगा लेता हूँ पहले, मैं इसको प्लेट को फिक्स करता हूँ। और इसकी प्लेट फिक्स हो जाएगी, उसके बाद हम इसके स्प्रिंग लगा देते हैं। तो हमारी प्लेट फिक्स हो गई है, तो इसके मैं स्प्रिंग लगा लेता हूँ फिलहाल एक बार। तो इसके कार्बन फ्री है बिल्कुल, अब पहले जाम हो रहे थे, तो इस पर हल्का हल्का सा रेंग मार मारा है मैंने। जो लोहे का इसका पार्ट है जिसके अंदर कार्बन लगे हुए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट आ रही थी। तो भाई लोग, इसके जो स्प्रिंग थे हमने इसको ऊपर करके रोक दिया है, और हमारे कार्बन बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। तो इसके अंदर फिलहाल मैं आर्मेचर लगाने जा रहा हूँ, और उसके बाद में हम स्प्रिंग को खोल देंगे। तो फिलहाल ना इसमें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है मेरे लिए, थोड़ा सा स्प्रिंग रोकने की वजह से। और थोड़ी थोड़ी फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी यार, क्योंकि इसमें चार कार्बन है इसलिए दिक्कत आती है थोड़ी सी, और ये एक कार्बन तो ज़्यादा दिक्कत करता है साला। तो भाई मोटर चली गई है बिल्कुल प्यार से इसके अंदर, और मेरे को थोड़ा सा जाम लग रहा है बस इसका, वो तो चल के फ्री हो जाएगा, नहीं तो मेरे को थोड़ा सा ड्रिल मशीन से इसको वर्क करना पड़ेगा। तो मैं कोशिश करके इसको ना थोड़ा सा ड्रिल मशीन से वर्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये सलफ जाम होएगा तो आगे फिर दोबारा दिक्कत आ सकती है। ओह माय गॉड। तो भाई लोग, हमने ड्रिल मशीन के अंदर थोड़ा सा रेगमार लगाया, और जो इसका बूस हार्ड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर कार्बन था वो रेगमार पे आ चुका है। तो भाई इतना बहुत है, क्योंकि हल्का सा जाम जा रहा था, तो वो हो गया हमारा। तो इसका मैं कार्बन फिट कर देता हूँ फिलहाल, और हमारे कार्बन के स्प्रिंग ऊपर हैं सबके, और कार्बन सेट है बिल्कुल। फिलहाल एक काम करता हूँ, थोड़े से इनको बैक साइड कर देता हूँ, और कार्बन काफ़ी ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। मोबाइल दे, थोड़ा सा इसमें बूस्ट में ऑयल डाल लेते हैं। और ये हमारी आर्मेचर फिट होती हुई इसमें, ये हमारी सलफ की मोटर बहुत ही प्यार से गई है। अब पहले थोड़ी सी हार्ड थी, अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको स्पीड में इसके स्प्रिंग नीचे कर देता हूँ, जिससे कार्बन काम करना शुरू कर देंगे। एक स्प्रिंग तो नीचे चला गया है, और भी है इसमें, वो भी कर देता हूँ। ये दूसरा भी आ गया है नीचे इसमें, अब मैं चेक कर लेता हूँ काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक
कार्बन और और ये हमारी सेल्फ की मोटर बिल्कुल प्यार से घूम रही है। तो इस ये यहाँ से कंप्लीट है और इसके मैग्नेट में थोड़ा सा कपड़ा मार लेते हैं, कार्बन वगैरह होगा इसके अंदर, तो पेट्रोल वगैरह से नहीं धोना है आपको। और इसको ध्यान से रखना है, ज़मीन पे गिरना नहीं चाहिए, अगर ये गिर गया तो इसकी मैग्नेट ख़त्म और सेल्फ की राम राम सत। और कहाँ गया आपका, एक ये कट हमने आपको दिखाया था वो सेल्फ के नट के नीचे साइड में जाएगा, और यहाँ पे भी दिखा रखा है ये कट है जो ये इसमें अंदर फंसेगा। और ये हमारी सलफ एक साइड से फिट होती हुई, और ये भी थोड़ा सा कपड़ा मार लेता हूँ। और ये हमारी सलफ इसको तो आप ये हमारी मोटर हो गई फिट। अब इसमें लगाते हैं इसके नट और इसको करते हैं कंप्लीट। तो कोशिश करके आपको हथौड़ी से चोट नहीं मारनी है, कोई भी प्लास्टिक की आइटम या रबड़ की हथौड़ी लेके चोट मारनी है। अगर सेट करना है आपको हल्का फुल्का, कहीं आप सोचे कि मैं लोहे की हथौड़ी से चोट मार दूं और इसका काम हो जाए। इसको प्यार से मिला लेते हैं नटों को, एक लग गया है और ये हमारा दूसरा भी लग गया सलो। और ये हमारी सलफ की मोटर कंप्लीट फिट। तो मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ एक बार बैटरी से। ये हमारे पास स्पेयर बैटरी है तो इस पर आप सलफ चला लेते हैं एक बार चेक करने के नाम के लिए। तो हम इसको टच करेंगे इस पर और यहाँ से लगाएंगे। ये हमारी सलफ चल चुकी है, तो इसको मैं बाइक में फिट करता हूँ और बाइक स्टार्ट करता हूँ, आपको फिर दिखाता हूँ। चालू रहेंगे पतली साइड पे थोड़ी देर में।
उसका पिन टूटा हुआ था तब ये हाल बंद हो गई थी। अब उसका हारने का भी ऐसी पाएगा कुछ ना कुछ। चल तो भाई लोग इसका सलाफ हमने फिट कर दिया है और फिलहाल मैं आपको सलाफ मार के दिखाता हूँ। हमने बाहर तो सलाफ चला ली थी बैटरी के साथ में और ये हमारी बाइक की चाबी ऑन और ये हमारी बाइक स्टार्ट। तो सलाफ का काम ओके हो चुका है बिल्कुल। तो हमारी बाइक हो चुकी है कंप्लीट। तो आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।